हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बेसिक तरीके से राजमा बनाने की रेसिपी। इसमें कोई आलतू फालतू मसाले नहीं डालेंगे, बिल्कुल बेसिक मसाले जाएंगे और बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होगी। तो चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच जीरा और साथ ही इसमें जाएगी डेढ़ प्याज। मीडियम साइज़ की प्याज ली है और उसको मैंने बारीक पेस्ट बना के डाला है। साथ ही हमें इसमें डालना है एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाते रहना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। मसाले हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक ही डालेंगे। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और दोबारा इसको अच्छे से मिक्स करना है। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे ढककर 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हो जब तक इसमें से ऑयल ना छूटे तब तक हमें इसे पकाना है। मसाला अच्छे से कुक हो चुका है, ऑयल भी छूट चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बॉईल किया हुआ राजमा। 200 ग्राम राजमा को मैंने रात भर भिगो के रखा था। उसके बाद 2 चम्मच नमक डालकर 6 से 7 सीटी लगाई, अच्छे से बॉईल हो गया था। बॉईल राजमा और मसाला दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 10-15 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही पकाना है। जब तेल छूटने लगेगा तो थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर से छिड़केंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। हमारा राजमा बिल्कुल तैयार है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरी ये राजमे की रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही यमी बना था, आप लोग ट्राई ज़रूर करना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।